guys, my name is Ali. I'm a student in Ukraine. फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो है माइग्रेशन। तकरीबन इस वक्त हर जगह जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जी, माइग्रेशन लेनी है। अब इस्लामाबाद में जो मामला हुआ वो सबके सामने, क्या किस तरीके से स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया हुआ, किस तरीके से उनकी कॉस्ट ज़ाया हुई, किस तरीके से वहाँ से वो वापस अपनी कंट्रीज़ में वापस आए हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ब्लैकलिस्ट हुई हैं किर्गिस्तान में तकरीबन सारी। तो अब ये मामला जो इस वक्त सामने आया है कि जी माइग्रेशन लेनी है, पेरेंट्स परेशान हुए हैं। मेरे पास मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे कि अली भाई बताएं क्या किया जाए, माइग्रेशन ली जाए या ना ली जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और अपने दोस्तों को एक एडवाइस दे दी जाए, इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अब देखें, बात यह है कि स्टूडेंट्स जब किर्गिस्तान गए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च ही नहीं की कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, क्या रेप्यूटेशन है उस कंट्री की, मेडिकल के हवाले से क्या रेप्यूटेशन है, हम किस सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो है WHO के साथ एफिलिएटेड है या नहीं, PMC के क्या मामलात हैं उसके साथ, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया जी। बस ये जहन में आया कि शायद किर्गिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ से यूरोप निकल जाएंगे, वहाँ से कहीं बाहर निकल जाएंगे, ये चीज़ जहन में रख के स्टूडेंट्स किर्गिस्तान चले गए। अब एक इंस्टीट्यूट को परमिशन होती है 300 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करने की पर ईयर। अब किर्गिस्तान में 3000 स्टूडेंट्स एक साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही है इस बात के ऊपर। मतलब एक मेडिकल शोभा इतना सेंसिटिव होता है कि हमसे जब कोई स्टूडेंट बात करता है तो 100 सवाल करता है, उसके बाद कहीं सेटिस्फेक्शन होती है उसको और फिर वो ट्रांसफ़र या कहीं भी किसी भी कंट्री से आ रहा होता है, फिर वो डिसीजन लेता है। अब किर्गिस्तान में लोग चले गए जहन में यूरोप रख के, ये नहीं देखा कि एक इंस्टीट्यूट कितने स्टूडेंट्स को पर ईयर ग्रेजुएट कर रही है। 3000 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं एक इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ अनफेयर इज़ दैट। 12,000 स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान से जाता है किर्गिस्तान मेडिकल पढ़ने के लिए। अंदाज़ा करें द नंबर्स, फैक्ट्रीज़ को और पता नहीं किन किन बिल्डिंग्स को, इमारतों को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया हुआ था। खैर, ये एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है स्टूडेंट्स के साथ, उनका टाइम ज़ाया हुआ है, पैसे ज़ाया हुए हैं। अब हर बंदा ये बात कर रहा है जी अब माइग्रेशन लेते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर रेज करना चाहूँगा कि जिन एजेंट्स ने आप लोगों को किर्गिस्तान भेजा, अब वही एजेंट्स आप लोगों को उज़्बेकिस्तान भेजने का मशवरा दे रहे हैं कि कहीं से दोबारा 3,000 डॉलर की दोबारा से उनकी दिहाड़ी लग जाए। अब मेरा एक प्रोफेशनल मशवरा है आप लोगों को कि ये चीज़ दोबारा मत करें, ये माइग्रेशन वाली चीज़ दोबारा ना सोचें। ये जहन में रखें कि आप लोग यूरोप चले जाएंगे। देखें, यूरोप का टोटली ही मामला डिफरेंट है, यहाँ यूक्रेन का मामला टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका एक कैलिबर है, एक यहाँ पे एक रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन का ख्याल किया जाता है। इंस्टीट्यूट्स एक स्पेसिफिक नंबर्स से ज़्यादा एडमिशन देती नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक कुछ नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं होते स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे एक ब्लॉगना प्रोसेस होता है कि यहाँ पे यूरोप में, यूक्रेन में कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल पढ़ने आता है तो एक टाइम के बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, कुछ इस तरह की परमिशंस होती हैं। यहाँ स्टडी का एक स्टैंडर्ड है यूक्रेन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये इन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती है। और जहाँ तक बात की जाए किर्गिस्तान में, वहाँ पे एक साल में 12,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या है हो रहा है ये। अब यहाँ से स्टूडेंट्स को मशवरा दिया जा रहा है उज़्बेकिस्तान जाने का। मैं आप लोगों को एक भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि इस वक्त मेरे ख्याल से कहीं भी आप लोगों को माइग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PMC जो है इस वक्त कुछ डिसीजंस ले रही है, उन डिसीजंस का वेट करें, देखें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी ग्रीन लिस्ट में आती हैं। यूरोप की कुछ तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रे लिस्ट में हैं, जो कि अब ग्रीन लिस्ट में ही आएंगी PMC के थ्रू। तो इन चीज़ों को ज़रा आप लोग डिसीजन आने का वेट करें। मैं आपको मशवरा इस वक्त ये दूंगा कि आप लोग
जितने लोग इफेक्ट हुए हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान जाने का या कहीं भी जाने का सोच रहे हैं, जो इफेक्टेड हुए हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन का सोच रहे हैं, खास तौर पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त कहीं भी माइग्रेशन मत लें, ना उज़्बेकिस्तान में ना यूक्रेन में, कहीं भी इस वक्त आप लोगों को माइग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीएमसी का डिसीजन आने दें, उसके बाद देखते हैं कि क्या 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 डिसीजन आप लोगों को लेना है। अपने पेरेंट्स को लाजमी इन्वॉल्व किया करें, अच्छे तरीके से रिसर्च किया करें, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ देखा करें, वो प्लेटफॉर्म जिसकी रेप्यूटेशन हो, जिसके कुछ टेस्टिमोनियल्स हों, स्टूडेंट्स कोई 200-400 स्टूडेंट्स गए हों उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उन स्टूडेंट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स हों, कोई आप बात कर सकें उस प्लेटफॉर्म से कि हमें उस स्टूडेंट से बात करवाई जाए जो कि बाहर गया है, कुछ रिसर्च हो, इंफॉर्मेशन हो, देन गो फॉर दैट डिसीजन। बट नाउ आई विल नॉट एडवाइस यू टू माइग्रेट टू एनी कंट्री, जस्ट रिलैक्स, सिट बैक एंड वेट फॉर द डिसीजन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care.